हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। थोड़ा वेग वे में मैं आपके सामने आई हूँ, बट सामने आना भी ज़रूरी था। काफ़ी गैप हो गया था, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर डिस्कस करना रहता है। ऑल दो मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल की वीडियोज़ में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह ही जाती हैं। तो आज उसी में से एक टॉपिक हम लेंगे, जो है कि 6 मंथ्स के बाद एक्चुअली बेबी को कितना मिल्क देना चाहिए। बर्थ से हम मिल्क देते आ रहे हैं, है ना, तो काफ़ी अमाउंट में मिल्क बेबी को मिलता है, क्योंकि वो ही मेजर डाइट होती है बच्चे की। सारी कैलोरीज, बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ मिल्क से पूरी हो रही थी। बट आफ्टर 6 मंथ्स ये सीन चेंज हो जाता है। मेजर डाइट है वो सॉलिड्स के फॉर्म में आ जाती है, अनाज, ग्रेन, सीरियल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट जैसे भी है, वो सब कुछ हम बच्चे को देते हैं, वो मेजर डाइट में आ जाती है। तो 7-7.5 मंथ तक बच्चे को हम एडजस्ट करा करा के थोड़ा सा स्लोली ऐड करते करते एक प्रॉपर डाइट में लेके आते हैं। उसके बाद जब बच्चे की डाइट सेट हो जाए, एटलीस्ट बच्चा 3 टाइम सॉलिड्स खाने लग जाए 100-150 ml के बीच में हर टाइम, तो जब बच्चा इतना सॉलिड्स लेने लग जाए तो हमें प्रायोरिटी सॉलिड्स को देनी है। फिर भी क्या होता है, नहीं बच्चे को मिल्क तो देना ज़रूरी है। जैसा हमारा इंडियन माइंडसेट रहता है कि भाई बच्चे की मिल्क की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, वो हमें देते रहना, बट इसकी वजह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम रह जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि अब मिल्क सफिशिएंट नहीं है, आयरन प्रॉपर नहीं मिल पाता, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिल पाते मिल्क से प्रॉपरली, तो इसीलिए हमें सॉलिड्स देना ज़रूरी है। जब सॉलिड्स आप प्रॉपर देने लगे हो तो मिल्क को आपको धीरे धीरे कम करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे का जो पेट है वो मिल्क से भरा हुआ है, फिर आप कह रहे हो कि भाई अब तो बच्चा ऊपर से कुछ खा ही नहीं रहा। भाई पेट खाली होगा तभी तो बच्चा डिमांड करेगा, तभी वो खाना सीखेगा। तो ये आपको पहले अपना मन मजबूत बनाना है कि हमें बच्चे को सॉलिड्स खिलाने हैं और वो छोटी कटोरी भर के खा ले एक बार में, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही मिल्क कम लेगा, है ना। तो ये आपको करना है 7-8 मंथ तक आते आते 600-700 ml से ज़्यादा बच्चा मिल्क नहीं ले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो ब्रेस्ट फीड हर 2-2 घंटे पे अब आपको नहीं कराना है। मॉर्निंग में उठते ही एक बार फीड करा दिया, फिर नेक्स्ट जो डाइट है वो सॉलिड्स ही होनी चाहिए। आपको तैयार करके रख लेना है, जो भी है, खीर है, दलिया है, खिचड़ी है, वेजिटेबल्स का कुछ सूप, कुछ भी आपने तैयार करके रख लिया, फ्रूट की प्यूरी है, वो ही बच्चे को देना है। और जब बच्चा सॉलिड अच्छे से लेता है, अराउंड 150 ml तक ले लेता है, तो उसके बाद वो ऑलरेडी 3-3.5-4 घंटे तक शायद कुछ डिमांड ना करे। उसके बाद फिर आप एक छोटा सा स्मॉल फीड बच्चे को करा दीजिए, फिर नेक्स्ट उसके बाद आपको एक सॉलिड फीड देना है, वो फिर इनमें से कोई अल्टरनेटिव होगा मील्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डाइट चार्ट बता चुकी हूँ, कैसे फीड इनिशिएट करना चाहिए मैं सॉलिड्स का वो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ यही है कि मिल्क कितना देना है। देन आपने सॉलिड दे दिया, ठीक है, सॉलिड आप 2 घंटे बाद ही फीड कराने के, 1-1.5 घंटे बाद ही दे सकते हैं, है ना, मिल्क उस डाइजेस्ट ईजिली हो गया। फिर सॉलिड दिया तो 3 घंटे का गैप मे बी बच्चा ले सकता है, ठीक है। फिर एक फीड दिया, फिर सॉलिड्स दिए, ओवरनाइट बच्चा मिल्क की डिमांड करता है तो वो हम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरनाइट आप मिल्क पिला दो। बट रात को सोने से पहले बच्चे ने सॉलिड्स अच्छे से खाए हों, इसका भी ध्यान रखना है, ताकि ओवरनाइट भी बच्चा अच्छी स्लीप ले, बार बार डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद खराब ना हो, ठीक है। तो मिल्क की जो क्वांटिटी है, अगर जैसे आप ऊपर से क्वांटिफाई करना चाहते हैं, टॉप मिल्क आपने ऐड कर लिया है, या तो टॉप फॉर्मूला हो सकता है या फिर बफेलो मिल्क हो सकता है, तो आप ये देख लीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क मिला के और टॉप का मिल्क मिला के 600-700 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ मैक्सिमम। और इसमें भी वो मिल्क आ जाएगा जो आप खीर, दलिया, दही के फॉर्म में दे रहे हैं, अगर उसमें जो मिल्क आप ऐड कर रहे हो वो भी आपका 600-700 ml में ही आ जाना चाहिए। तो इससे ज़्यादा मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल फूड बच्चे को खिलाइए, वो ज़रूरी है, ओके। तो हमने ये आज सीखा कि 6 महीने के बाद आपको मिल्क की क्वांटिटी कम कर देनी है, सॉलिड्स की क्वांटिटी बढ़ा के रखनी है। ये कोशिश करिए, मैं 8 महीने के भी बच्चे हो जाते तो भी मैं पूछती हूँ, नहीं अभी तो 1-2 चम्मच थोड़ा सा दलिया, 1-2 कर रोटी का खा लेता है बच्चा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 150 ml आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा ले, फिर ताकि 1 ईयर तक आते आते 200 ml 250 ml तक बच्चा एक बार में खाना खाए, ओके।
जो सॉलिड्स हैं उनको आपको कैलोरी डेंस बनाना है, इस चीज़ में आपके जो फोकस होनी चाहिए। फिर बीच बीच में बच्चा मिल्क डिमांड करता है तो वो आप दे सकते हैं। मदर मिल्क ब्रेस्ट फीड कराना 2 ईयर्स तक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मेन डाइट नहीं होनी चाहिए, सेकेंड नंबर की डाइट होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आपको सॉलिड्स पर ही फोकस करना है। तो छोटा सा ये वीडियो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आईके माई चाइल्ड चैनल पे, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो न्यू मदर्स या जिनका सेकंड बेबी है, फोर्थ थर्ड बेबी है इन सम केसेस, तो वो देखें और उससे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आईके माई चाइल्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।